काफी देर से बोल रहे हैं कि उन्होंने आना है, अभी अभी तक पहुंचे नहीं। मियां साहब कब तक आएंगे? बस हां फनकार हो गए सर, और छोटे यार दावत अच्छी थी, सारे के बारे तो भाई हैं, बस चौके रह गए मियां साहब। जब तक चौके लेके जा रहे थे तो उसे आराम से जा रहे थे। ओ मैं नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं तो जा रहे वीडियो वगैरह तो मैं बता देता हूँ। फराज भाई जब उठाते हैं ना तो आपके बस में कुछ नहीं होता। मेरी टांगे वहां पे थी, सच्ची बात है, आई विल नॉट टेल अ लाई, मेरी टांगे वहां पे थी, उसने मुझे बाजू समेत यूं करके धक्का मारा हुआ। गरीब के बाल में भी चोरी थे गरीब दबाल में, उसकी पूरी कौम ही गरीबा तो बाहर आ गई है भाई। अच्छा मियां सर हमने मीडिया पर अच्छा सॉरी भाई थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। फराज भाई जी हमारे डिजिटल हेड भी हैं और डीजीआई की तमाम जो सर्विसेज हैं उसको देख रहे हैं। हमारे साथ बुखारी साहब हैं, ये इनकी शक्ल पे ना जाइएगा, इनकी हरकतें बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये बिल्कुल एक वो कहते हैं ना चेहरे पर मुकुट लगाया हुआ है, वो निकाब पहन के हमेशा रहते हैं। और ये भाईजान जो है ये हमारे पुराने साथी हैं, इन्होंने मेरा था पहला शो जिन लोगों ने एडिट किया था, ही वाज वन ऑफ देम, और ये हमारे साथ बहुत लंबा अरसा चले, और बाकी सब लोग जो हैं वो भाई हैं और बड़ी मोहब्बत। अच्छा सर हमने मीडिया पर तो देखा कि क्या चीजें चल रही थी, मतलब किस तरह आपको उठाया, बेसिक स्टोरी क्या थी, आपको ज्यादा मजा मेरे उठाए जाने पे आ रहा है या मसले पे आ रहा है? मसले पे आ रहा है, मसले पे। नहीं वो तो बड़ी तकलीफ की बात है। एक्चुअली फैक्ट यही था यार कि मुतासरीन है वो अपने बेचारे रो रहे हैं। यकीन करो उस फैमिली में लोग अपनी उस पूरी आबादी में अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे। मसला क्या है, अपने बेटों की भी नहीं कर पा रहे। कौन बंदा अपनी बेटी एक ऐसे इलाके में देगा जहां पर आपने नहाना है तो उसको पानी नहीं आना, नाश्ता बनाना है तो गैस नहीं आनी, स्कूल जाना है तो सड़क नहीं है, जनाजा फौती होगी। यकीन करें मुझे एक खातून ने बताया कि उनके एक अजीज की इंतकाल हुआ 3-4 दिन पहले, उनको घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाके जनाजे के गुस्ल के लिए पानी लेने आना पड़ा, और ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। अब जब ये लोग बोलेंगे और उनकी ये तकलीफ होगी, हम ये दिखा रहे हैं, तो विद अ हैवी हार्ट मुझे ये कहना पड़ेगा कि मसला था सोसाइटी और वहां के रहायशियों के जरिए। हम लोग मुतासरीन को कवर कर रहे थे, हमने सोसाइटी से भी बात करनी थी। पुलिस ने बिना वजह इस कहानी को कंट्रोवर्शियल करके और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको बुनियादी हत्या पुलिस ने डाले के पहुंच गए। अब अगर एक जर्नलिस्ट उनको कवर कर रहा है, जो कि हमारी ड्यूटी है राइट, बाद में ये हमारा फर्ज है, हम नहीं करेंगे तो हम लोग इसका मतलब यह है कि हमने जो एक हमारा गैर तहरीरी मुआहदा है हम उसको ब्रीच कर रहे हैं। हम आ गए, हमने कवरेज शुरू की है, पुलिस के यहाँ पर आ गए, पुलिस हट चुके हैं और उसके बाद साहब पहले कभी गिरफ्तार हुए? अच्छा गिरफ्तार तो वैसे मैं एक दफा हुआ था, ये तो गिरफ्तार नहीं था, ये तो अफवाह। अच्छा ये तो अफवाह था, इसको गिरफ्तारी नहीं है,
और उसके बाद इलीगल डिटेंशन के 6 महीने जब आपको अगवा करके लेके गए जहां पे आपको रखा गया वहां के बारे में पहले तो घुमाते रहे। अच्छा हां पहले तो वो रवायती स्टाइल पुलिस के डाले में बिठा के घुमाते रहे ना। उसके बाद वहां लेकर गए थाने, थाने ले जाकर हमें एक कमरे में बंद किया गया। अब मसला ये था कि वो सारे लोग जो हैं वो सारे भाई मुझे कह रहे हैं, मुझे इतनी एक चीज की खुशी, मैंने एंजॉय किया इनसे, मैं लिटरली आई नॉट टेल अ लाइक कि वहां पे आतिशबाजी था, वो फट रहा था, उसमें से लावा निकल रहा था, मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो रस्ते में मारदार हुई है वो हुई है, एनो मजा ज्यादा आ रहा है देखता रस्ते में मारधार हुई है, वहां जाकर भी हुई है, लेकिन हर पुलिस एहलकार पहले हादसे का कर लेना सी बात कहना सी भाई हम आपके फैन है मजबूर है। अब मैं क्या कर सकता, बंद किया, उसके बाद उनकी मेहरबानी, उन्होंने नमाज के लिए इजाजत दी, उन्होंने खोल दिया। जब खोल दिया उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे अरेस्ट कर लिया है या मैं गैर कानूनी तौर पर रह सकता हूँ। सब ने बताया गैर कानूनी रह सकता। That was the moment मैं कह चलो मैं अपना आपको मेरा चल रहा। अब मैं जिस टाइम यू बाहर की तरफ चलना शुरू हूँ तो अब वहां पर तो बहुत तारी हो गई मेरी, वो लोग जो मुझे पूरी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे वो दोबारा गिर पाए। थोड़ी देर बाद सांसों चढ़ गए, फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई इलीगल डिटेंशन है लीगल है, उन्होंने कहा लीगल है, मैं कह चलो फिर अल्लाह हाफिज़। उनका आना, मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं तो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, भाई अन्य बंदे पीछे आने की बहुत सारी दुनिया है, मैं सबका मशकूर हूँ। मैं ऑनेस्टली सबको बताना चाहूंगा, जो जो पीपल हु मेड मी कॉल, जो लोग वहां पहुंचे, मैं सबका मशकूर, लेकिन आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मसला यह है कि यह गैर कानूनी काम था, एक गैर कानूनी गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया। बताता हूँ उन्होंने फर्ज कैसा निभाया, 4 घंटे उन्होंने अपनी बहनों बेटियों को गालियां नहीं मारी, औरतों के पेट में ठुडे मारे हैं पुलिस, 6-7 माह का बच्चा लेके औरत बाहर खड़ी, 4 घंटे उन्होंने मार दिया। उन्होंने अपने घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, और वहीं पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इस सोसाइटी की ख्वातीन चीतियां थी, लिटरली हमारे कैमरे छीने गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, हम तो ये साबित ही नहीं कर सकते थे हुआ क्या। अल्लाह सलामत रखे, नसीब अच्छे करे उन बच्चियों की और उन ख्वातीन की जिन्होंने छतों से वीडियोज बनाए, वो वीडियोज जो है वो हमारे एविडेंस बनी, वो काम आई, और पुलिस तो मुकर गई थी हमारे पास आई कुछ नहीं, उन वीडियो से साबित हुआ कि फलाना कैमरा फलाना बंदे ने छीना था, फलाना कैमरा फलाना बंदे ने छीना था, मुझे अगवा कैसे किया गया था, मुझ पे पर्चा धमकी क्या देते थे कि या तो आप पे पर्चा देंगे दहशतगर्दी का और पुलिस पर हमला करने का, और वहां पर एक अल्लाह माफ करे एक साहब ने अपनी माँ की कसम भी बार ली कि मैंने उन पर हमला किया, एक ऑफिसर सीनियर ऑफिसर हमले में आपके टांगे ऊपर थी, मेरी टांगे उसमें तो मेरी थी, वीडियो में मेरी थी, लेकिन उसके मुताबिक उनकी ऊपर हुई थी, उनके मकसद के मुताबिक वो उन्होंने बताया कि मेरे तरफ लाकी तहत मेरी फोर्स ने उठा ली, अल्लाह उनको इज्जत दे भाई मारी, तो दुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो कुफारा जो है ना कसम का वो मेरे ख्याल 70 लोगों का खाना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि जो ASP साहब हैं भाई 70 लोगों का खाना खामोशी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, अल्लाह से तौबा करें, आइंदा झूठी कसम नहीं खाएं। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कि ये मॉब कैसे, मॉब के साथ फड्डा कैसे हुआ। 2-3 लोगों की वीडियोज आई इंटे मारने की पुलिस को, जहां से पुलिस भी मॉब पर चढ़ दौड़ी। पहले तो पुलिस सब पर चढ़ी थी ना, उनको हम एक जो है वो बप्पी रोड मिले, उन्होंने कहा इनको सीधा करते हैं। जिन्होंने ईंटे मारी थी वो सोसाइटी के अपने मुलाजिम थे, और पुलिस ने FIR दे दी उन पे, यानी सोसाइटी मालिक जिनकी तरफ से पुलिस लड़ रही थी, हमारी सक्सेस ये पुलिस को उन्हीं पर पर्चा देना पड़ा, और पुलिस ने अपनी मुदय्यत में जो पर्चा दिया उसमें ये लिखा है कि ये लोग सोसाइटी मालिक से टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शंस लेकर पुलिस पर, वो जो पहले पुलिस हमारे गले डाल रही थी, अल्लाह ने उनको हदायत दी है, कहते हैं ना अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान दिल है,
ऐसे मोड़ दे, ऐसे मोड़ दे, अल्लाह ने अंदाज किया। और बताए कितने बंदे और बताए कम्बल सबमिशन थी सब लोगों से कि अपने हिस्से का काम करते रहें। जालिम के खिलाफ झुकने की आदत हम सबको बहुत पड़ी हुई है और ये हमें मैटरनल पैटरनल साइड दोनों से मिली है विरासत में। तो अगर हम, कोई हमारे लिए नहीं लड़ सकता, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हम खुद नहीं कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।